जमुई ने पहला सम्मान उनको दिया है, हमारे नेता को अगर पहला सम्मान अगर दिया है तो जमुई की जनता ने दिया है, और जमुई की जनता को आजीवन हमारे नेता नहीं भूलने वाले हैं, बराबर वो चिंता करते हैं जमुई की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से हम भी आश्वस्त करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे, आश्वस्त किया जाएगा कि इस बार भी जमुई को डबल सांसद, दो दो सांसदों का लाभ जमुई की जनता को मिलने वाला है। पांडे उन कामों को आगे बढ़ाएं, तो अब अरुण भारती जी उस काम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉर्निंग। सर, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रोजपा रामविलास पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी होंगे। पार्टी की बड़ी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, 5 सीटें आप लोगों को मिली हैं, क्या उम्मीदवारों का चयन होना बाकी है, लगभग तय हो गया पार्टी में इंटरनल तौर पर? दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चूंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में की गई थी, जिसमें सिर्फ एक सीट अभी जमुई का, चूंकि 28 तारीख तक उसका आखिरी नामांकन का तिथि है, तो 28 तारीख के नामांकन का आखिरी तिथि को देखते हुए एक सीट के प्रत्याशी का चयन लगभग प्रक्रिया फाइनल कर लिया गया है। बाकी सीटों पर अभी दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे पांचवें चरण में अभी काफ़ी समय है, और अभी जिला से प्रस्ताव बन के आया है प्रदेश में प्रत्याशियों के चयन को लेकर। जमुई की बात करें या पांचों? नहीं नहीं, सभी स्थान, सभी जिला से जहाँ हमारे पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, इन सभी जिला से जिला अध्यक्ष अपने अपने जिला में बैठक करके प्रस्ताव बना के प्रदेश में भेज रहे हैं। कुछ जगहों से आया है, कुछ जगहों से आने वाला है। वो प्राप्त हो जाने के बाद प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक बुलाई जाएगी प्रदेश में, यहाँ सभी प्रत्याशी के नामों पर चर्चा करके, और इस पार्लियामेंट्री बोर्ड से प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, हमारे पार्टी का एक सिस्टम है, और उस पर फिर राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी प्रत्याशियों के चयन पर अंतिम मुहर लगाएंगे, और ये काम जैसे कंप्लीट होगा हम लोग सबसे पहले आप लोगों को सूचित कर देंगे, अपने प्रत्याशियों का नाम आपको दे देंगे। हाँ, लेकिन जमुई को लेकर ही आप बात कर रहे थे शुरुआती दौर में, क्या लग रहा है, खूब चर्चाएं दो नाम को लेकर है, एक जीजाजी, एक मंत्री अशोक चौधरी की बेटी, क्या दोनों नाम आप लोगों की तरफ से गया था राज्य संसदीय बोर्ड की तरफ से? या देखिए क्या है कि अब जमुई का हम लोग लगभग चयन प्रक्रिया फाइनल कर लिए हैं, तो उसमें अब कोई स्कूप बचा नहीं है, और आप लोगों को ज्ञात होगा, पहले से भी जानकारी होगी कि अरुण भारती जी हमारे पार्टी के एक पदाधिकारी भी हैं, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनके, उनके माता जी पहले MNC रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, और वैसे में जमुई की तरफ से मांग भी उठ रहा था बार बार, तो हमको लगता है कि वहाँ अब कोई चर्चा का स्कोप नहीं। अच्छा, यानी कि आप इशारों में ये कह रहे थे कि एक तो चिराग पासवान वहाँ से सांसद थे, जो आखिरी दिन जब वो गए थे 20 फरवरी को जब चिराग पासवान वहाँ पर, तो खूब जनता जो है वहाँ के रो रही थी चिराग पासवान के सामने, तो क्या ये माना जाए चिराग पासवान ये सीट अपने ही परिवार को ही देंगे, ताकि ये मैसेज भी जाए कि वो सीट चिराग ने तो छोड़ी नहीं, उन्होंने तो अपनों अपने ही लोगों को ही दिया है? देखिए क्या है कि पहली बार हमको याद है कि पहली बार जब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी चुनाव लड़ने जमुई गए थे, तो उस समय हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय हम लोगों के दिवंगत नेता रामविलास जी ने मंच से पूरे जमुई को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आप एक सांसद को नहीं चुन रहे हैं, आप डबल सांसद को चुन रहे हैं, वोट तो आप चिराग पासवान जी को दे रहे हैं, लेकिन आप एक साथ दो दो सांसद को चुन रहे हैं, रामविलास पासवान भी सांसद हैं, चिराग पासवान जी भी सांसद बनेंगे, और दो दो सांसदों का फायदा इस जमुई लोकसभा क्षेत्र को मिलेगा, और मिला भी लगातार। हमारे दिवंगत नेता अब हम लोगों के बीच नहीं है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन ये डबल सांसद का फायदा पूरे जमुई को प्राप्त हुआ, और यही कारण रहा कि 10 वर्षों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने, जहाँ जब जमुई में वो चुनाव लड़ने गए थे तो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा था बिहार में जमुई, और नीति आयोग का आज जब रिपोर्ट आया है, आप सबों ने देखा होगा कि नीति आयोग के रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में जमुई 5वें नंबर पर आया था। आकांक्षी अगर जिला की बात करेंगे तो नीति आयोग का रिपोर्ट में 5वें पर आया था, और इस 5 वर्ष में जब हमारा कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा किया तो अब जमुई 1 नंबर पर आया है। तो ये मैच करता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोलते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो उनका विजन है, तो जमुई तो उन्होंने फर्स्ट किया, जमुई की जनता ने देखा है, और यही कारण है कि इतनी लोकप्रियता बढ़ी है।
जमुई में हमारे नेता इतने लोकप्रिय हुए, बिहार में लोकप्रिय हुए, तो जमुई की महान जनता ये चाहती थी कि पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही वहाँ के सेवक बने और जमुई का सेवा करें और विकास हो। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से हम भी आश्वस्त करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे, आश्वस्त किया जाएगा कि इस बार भी जमुई को डबल सांसद, दो दो सांसदों का लाभ जमुई की जनता को मिलने वाला है। हम लोग आश्वस्त करेंगे आपके माध्यम से, और जमुई का जैसा विकास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने किया है, उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए हमारे पार्टी के प्रत्याशी अरुण भारती जी भी करेंगे। बड़ा इशारा कर रहे हैं हुलास पांडे, यानी कि चिराग की निगाहों से जमुई दूर नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं। जमुई ने पहला सम्मान उनको दिया है, हमारे नेता को अगर पहला सम्मान अगर दिया है तो जमुई की जनता ने दिया है, और जमुई की जनता को आजीवन हमारे नेता नहीं भूलने वाले हैं। बराबर वो चिंता करते हैं जमुई की, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय बनवाया वहाँ पे, उन्होंने एम्स की स्थापना करवाई जमुई में, तो बड़े बड़े काम उन्होंने जमुई की जनता के लिए किए हैं। अरुण पांडे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे, अब अरुण भारती जी उस काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बड़ा इशारा इन्होंने कर दिया, और आखिरी में उनका नाम भी जो है वो ले ही लिया कि जमुई से जो है वो चिराग पासवान के जीजा जी जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फोर नेशन।